हमारी पृथ्वी काफ़ी बड़ी है, लगभग 200 देश, 7.5 बिलियन जनसंख्या के साथ ये कई स्थानों, आकर्षक लोगों, अनोखी भाषाओं और अमेजिंग फैक्ट्स से भरी हुई है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम चाहकर भी दुनिया में घटित होने वाली हर एक अनोखी बात को नहीं जान सकते, लेकिन उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग घटनाओं पर गौर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको हैरानी में डाल दे। लुइजियाना सबमर्जिंग इनटू द वाटर। अमेजिंग फैक्ट्स के लिस्ट में पहले फैक्ट्स आता है अमेरिका के साउथ ईस्टर्न लुइजियाना, जो समंदर के करीब बसा हुआ है। इस बारे में तो आपको जानकारी होगी ही कि समुद्र के पास बसी जगह धीरे धीरे उसमें डूबती चली जाती है, यानी आम भाषा में कहे तो समुद्र का पानी धीरे धीरे जमीन को अपने अंदर समा लेता है। आमतौर पर जमीन के पानी में डूबने की डर काफी कम होती है, लेकिन लुइजियाना के मामले में ये ठीक उल्टा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन लुइजियाना के 30 फुटबॉल फील्ड्स जितने जमीन समुद्र में सबमर्ज हो जाते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि लुइजियाना हर 100 मिनट में एक फुटबॉल फील्ड जितने जमीन खोता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जमीन के समंदर में सबमर्ज होने का यह सिलसिला 1930 से जारी है और आज तक लुइजियाना की 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन समंदर में सबमर्ज हो चुकी है। कैट्स कांट टेस्ट स्वीट थिंग्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। अपने आसपास आपने बिल्ली को कई करतब करते देखे होंगे, जैसे कि एक छत से दूसरे घर के छत पर कूदना, संकरी जगह से आराम से निकल जाना या फिर चोरी चुपके किचन में घुस जाना। लेकिन एक चीज है जो बिल्ली बिल्कुल नहीं कर सकती, वो है बिल्ली मीठे का स्वाद नहीं ले सकती। दरअसल बिल्ली के पास 10-1 or 2 जीन के डीएनए को बनाने वाला एमाइनो एसिड का 247 बेस पेयर नहीं होता, और इसी वजह से बिल्लियां मीठे का स्वाद नहीं ले सकती। नंबर 3, पांडास आर बॉर्न ब्लाइंड। क्यूट से दिखने वाले ब्लैक एंड व्हाइट पांडा तो आप सभी ने देखे होंगे। सोशल मीडिया पर आप अक्सर इनके वीडियोस का लुत्फ उठाते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडा के बच्चे जन्म से अंधे पैदा होते हैं और जन्म लेने के 6 से 8 हफ्ते यानी कि पूरे 2 महीने बाद इनको दिखाई देना शुरू होता है। जन्म के समय बेबी पांडास का कलर पिंक होता है और इनका आकार 15 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल के बराबर होता है। नंबर 4, एनिमल बेबीज कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। वर्क फ्रॉम होम करते करते अगर बोर हो गए हैं और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि कुछ देर तक सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ये तरीका कारगर नहीं है और आप कोई और चीज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो शायद ज़्यादातर लोग हमारी बात पर विश्वास ना करें। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है, क्यूट बेबी एनिमल्स की तस्वीर को देखकर आप अपने काम में अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस खुद बेहतर होने लगती है। नंबर 5, वाटपा महाचेदी काओ। कहते हैं मंदिर और शराब का आपस में दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। जहां मंदिर होता है वहां आसपास के इलाके में शराब की एक भी दुकान नहीं होती, लेकिन थाईलैंड में मौजूद वाटपा महाचेदी का बुद्धिस्ट टेंपल सभी मंदिरों से हटकर है। दरअसल ये मंदिर पूरी तरह बियर बॉटल से बनाया गया है। थाईलैंड के सिसाकेत प्रोविडेंस में स्थित इस मंदिर को बनाने में 10 लाख बियर बॉटल्स का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर के पास बाथरूम से लेकर शमशान तक बियर बॉटल्स से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बुद्धा की मोजाइक भी रिसाइकल बियर बॉटल की मदद से बनाई गई है। नंबर 6, सी हॉर्सेस। कहते हैं भगवान ने माँ बनने का वरदान औरतों की झोली में डाला है। चाहे इंसान हो या जानवर, बच्चे को जन्म देने का अधिकार
केवल फीमेल यानी मादा के पास होती है। लेकिन एक जानवर है जो साइंस के इस नियम को झुठलाता हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं सी हॉर्सेस की। धरती पर सी हॉर्सेस ही इकलौता ऐसा जानवर है जहां मेल प्रेग्नेंट होकर बच्चों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेटिंग के दौरान फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के पूंछ में एग्स छोड़ देते हैं, जिसे मेल सी हॉर्स 45 दिन तक अपने साथ कैरी करते हैं। इस दौरान पूंछ में बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद सी हॉर्सेस एक साथ 1000 बेबीज को जन्म देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बेबीज के जन्म लेने के बाद भी हैरानी की बात यह है कि 1000 में केवल एक सी हॉर्सेस ही सरवाइव कर पाता है। नंबर 7, ओ द स्पेस। हम अपने आसपास मौजूद हर चीज की खुशबू को पहचानते हैं, लेकिन क्या आप आउटर स्पेस की खुशबू को पहचानते हैं? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब ना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप जल्द ही जान सकते हैं कि आउटर स्पेस की खुशबू कैसी होती है, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन बता दें कि नासा ने सालों पहले एक ऐसा परफ्यूम बनाया था जो कि आउटर स्पेस की खुशबू देता है। सालों पहले बनाए गए इस परफ्यूम का नाम है ऑफ द स्पेस, जिसे ओमेगा इंग्रेडिएंट्स के फाउंडर स्टीव पियर्स ने बनाया है। असल में ये परफ्यूम धरती पर वापस आए एस्ट्रोनॉट की मदद करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो आउटर स्पेस की खुशबू से छुटकारा पा सके। लेकिन जल्द ही आप और हम इस परफ्यूम का मजा ले पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही ये परफ्यूम मार्केट में लॉन्च होगा। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आउटर स्पेस की खुशबू कैसी होती है, तो बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि आउटर स्पेस की महक काफ़ी गन पाउडर के मिश्रण, सीयर्ड स्ट्रिक, रसबेरी और रम जैसी होती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।